नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में अगर आप भी फ्री राशन वाली स्कीम का फायदा लेते हैं तो अब सरकार आपके लिए एक और खास प्लान बना रही है, जिसके तहत फ्री गेहूं चावल के साथ ही अन्य सामान भी आपको काफी कम कीमत पर मिल सकता है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक कम कीमतों पर देने की योजना बना रही है। बता दें, उत्तराखंड के खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वहीं इस योजना को लागू करने के बाद में राज्य पर करीब 65 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2023 में देश भर के परिवारों को फ्री राशन देने का फैसला किया है। इस पूरे साल लाभार्थियों को फ्री राशन का फायदा मिलेगा। वहीं राज्य सरकार ने बताया है कि वो चाहते हैं कि गेहूं और चावल के साथ ही चीनी और नमक जैसे जरूरी सामान भी हर रसोई में उपलब्ध हो। आपको बता दें, चीनी पर 10 रुपए प्रति किलो सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया, इसको बढ़ाकर 15 रुपए तक किया जा सकता है। इसके साथ ही जो कार्ड धारक पिछले 6 महीने से अपने कार्ड पर राशन नहीं ले रहे हैं, उन सभी के कार्ड को रद्द किया जा सकता है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।